नमस्कार, आप हमारे साथ अंदिशक न्यूज़ पर, और आज हम लेकर हाजिर हैं पहला ब्लॉग जो कि आज कृषि विज्ञान से, यानी कृषि विज्ञान से जो हमारे अंदिशक साथी हैं उनके साथ हम बनाना शुरू कर रहे हैं। आज उनके साथ ही हम रहेंगे और इस समय विंटर की छुट्टियां चल रही हैं, तो क्यों ना हमने कहा कि आज एक ब्लॉग बनाया जाए कि किस तरीके से हमारे अंदिशक साथी यूपी बेसिक जूनियर स्कूल्स में बच्चों को जैविक खेती के द्वारा और जैविक खेती के अंतर्गत फसलें जो उगाई जाती हैं उनके बारे में कैसे प्रशिक्षित कर रहे हैं और देश के लिए एक प्रशिक्षित किसान दे रहे हैं उनके बारे में आज हम बात करने निकले हैं। आज इस फार्म हाउस में पहुँचे हैं और ये लगभग 75 बीघा का ये फार्म हाउस है और जिसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं संदेश हमारे अंदिशक साथियों द्वारा जा रहा है बच्चों के अंदर और बच्चों के द्वारा वो जा रहा है माता पिता तक कि जैविक खेती क्यों करना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं और इससे हम क्या बदलाव ला सकते हैं देश के अंदर पर्यावरण संरक्षण और मृदा संरक्षण के रूप में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास में ड्रैगन फ्रूट्स है और ये ड्रैगन फ्रूट्स की खासियत ये है कि ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है। जैसा कि आपने देखा होगा डेंगू, चिकनगुनिया या कोरोना जो भयंकर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां वो हो जाती हैं, तो डॉक्टर हमको कीवी खाने के लिए कहते हैं। तो कह सकते हैं कि 4 कीवी जब खाएंगे तब वो असर होगा और 1 ड्रैगन फ्रूट जब आप खाएंगे उस बीमारी में तो वो पूरा आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा और आपका उपचार हो सकेगा इस ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में। ये आप देख सकते हो पूरा बाग है, यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट्स का बाग है और इसमें पूरे में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जा रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी पेड़ लगे हुए हैं, आंवला का है ये, इसके बीच में आंवला पेड़ लगाया है, प्लांटेशन किया गया है, यानी कि अन्य फसलें भी ले सकते हैं। तो ये ड्रैगन फ्रूट्स है। आज पूरी बात करेंगे हम अंदिशक साथियों से जो कि हमारे कृषि विषय से हैं और एक्सपर्ट हैं और वो किस तरीके से हमको और हमारे दर्शकों को बताएंगे जल संरक्षण के बारे में, आपको जैविक खेती को कैसे जोड़ते हैं। जी सर, पर्यावरण हमें केमिकल कम यूज़ करना चाहिए। केमिकल यूज़ करने से हमारा पर्यावरण दूषित तो हो ही रहा है और अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मनुष्य भी सुरक्षित रहेगा और जो हमारी मृदा संरक्षण है, मृदा को हमें ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से हमारी मृदा लगातार उर्वरा शक्ति छीण होती जा रही है और मृदा को अगर बचाना है तो हमें ऑर्गेनिक जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद भी हमें करना चाहिए जो हम बहुत अच्छी आसानी से ढेंचे से या फिर सनई से कर सकते हैं, जिसको हम अपनी मृदा को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि लगातार कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कंटिन्यू केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, यूरिया, DAP, NPK लगातार यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम गोबर की खाद, जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। मृदा सुरक्षित रहेगी, आने वाले समय में मृदा की उर्वरता बनी रहेगी, फसलें अच्छी होंगी, फसल हमारे लिए लाभकारी भी होंगी और मृदा लगातार अच्छी बनी रहेगी। हमें मृदा में इसके साथ साथ फसल चक्र भी उपयोग करना चाहिए। अगर हम किसी भी फसल को लगातार एक खेत में ले रहे हैं तब भी हमारी मृदा लगातार छीण हो रही है, उर्वरा शक्ति छीण हो रही है। हमें क्या करना चाहिए, हमें बदल बदल के, इस बार अगर हमने कोई फसल ली है तो अगली बार नेक्स्ट फसल उथली जड़ वाली, फिर अगली बार गहरी जड़ वाली, इस बार अगर हम दाल वाली फसल ले रहे हैं तो अगली बार अनाज वाली फसलें, जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और मृदा संरक्षित रहेगी, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो साथ ही देखा आपने यहाँ पर हम ड्रैगन फ्रूट्स के इस गार्डन में आए हैं, कह सकते हैं यहाँ पर ये फार्म हाउस है ड्रैगन फ्रूट का और यहाँ पर सागौन के पेड़ भी लगा रखे हैं पूरे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये सौर ऊर्जा का, यानी कह सकते हैं पूरा जो है सिस्टम जो है प्राकृतिक है, सौर ऊर्जा प्राकृतिक, जैविक खेती प्राकृतिक और जो भी पेड़ वृक्ष देख रहे हैं सभी हमारे देश से संबंधित, हमारे द्वारा निर्मित हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक बेसिस सब कुछ है और ये शायद अमरूद का बाग भी यहाँ पर लगा रखा है। और तो हम चलिए, यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं सुरेश साख जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि क्या हमको जैविक खेती की तरफ देश को ले जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो ये खाद है, जैविक खाद इसी को बोलते हैं ना सर। ओके ओके, थोड़ा बताइए इसके बारे में।
थोड़ा सा बताइए शंकर। ये काउडंग है, कंपोस्ट है जो अच्छा नेचुरल है, हर हर गांव वालों को हर सबको इसको परिचित है। अच्छा जी जी जी, सबके पास होता है ये गांव में। गोबर खाद, गोबर की खाद, जो गोबर खाद बोलते हैं जी जी, इसी का प्रयोग करते हैं आप? इसका प्रयोग करते हैं और मकान पे रखे हुए वर्मी कम्पोस्ट का भी प्रयोग। वर्मी कम्पोस्ट, ओके ओके ओके, जो केचुआ खाद होती है। अच्छा केचुआ खाद, ओके ओके। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेश शाक्य जी, मैं बदायूं के कस्बा लापुर से रहता हूँ और मैं थोड़ी सब्जी के बारे में बता रहा हूँ। सब्जी ज़्यादा करता हूँ, जैसे कि फूल गोभी है, बंद गोभी, टमाटर वगैरह ज़्यादा लगाता हूँ। और ज़्यादातर हमारे यहाँ यूरिया पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, यूरिया डाल लगाते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा वातावरण भी ख़राब हो रहा है और उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। जो यूरिया हम डालते हैं खेतों में, उसकी मात्रा किसान को पता ना होती कितनी पड़ेगी क्या है, और डालने के बाद भूल जाते हैं, फिर बोई सब्जी में जाती है, फिर उसके बाद जब कोई अगर सब्जी खाता है या चारा खा रही है गाय भैंस, तो वो भी उसके दूध में पहुंचती है। कभी ये कहते हैं कि सैंपल सैंपल होता है कि प्योर भर लो सैंपल, तब भी यूरिया निकलेगी उसमें, कितना भी शुद्ध दूध। और अगर आप कभी भी किसी भी सब्जी में अगर आप देखेंगे यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारे बॉडी के खून में जो पहुँचता है उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा वो होना चाहिए, जिससे पैसे भी थोड़े कम लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में इस्तेमाल। गोबर की खाद नॉर्मल होती है, हर जगह मिल जाती है, किसान आदमी आसानी से खरीद सकता है। थोड़ी स्टार्टिंग में महंगी पड़ेगी, लगेगी हाँ महंगा है, उसके बाद ना तो आपको DAP वगैरह डालनी पड़ेगी, ना तो आपको यूरिया। और आप चाहते हैं जैसे बहुत से लोग और डालते हैं कि उसमें इसमें वो डालो कोई जैविक और खाद डालने की ज़रूरत हाँ है। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे मौसम कम बरसात हो रही है तो पैदावार नहीं हो रही, तो जिस खेत में गोबर की खाद पड़ी होगी उसमें पैदावार अच्छी हुई, उसमें नमी बनी रहेगी और ज़्यादा अगर बरसात भी हो रही है तब भी पौधा चलता रहेगा, क्योंकि वो कंट्रोल करेगी उसके लिए पानी के लिए। और ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि नहीं है ये कुछ नहीं है, DAP डालो, वो करो, ये करो, वो बेकार, उससे मिट्टी भी दूषित होती है और पर्यावरण भी नुकसानदायक रहता है। इसलिए मेरा ज़्यादातर कहने का मतलब है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैविक की तरफ बढ़िए और बहुत ही ज़्यादा काम ये लाभदायक है और पैसा भी बचता है। यही मेरा सबसे किसानों से अनुरोध है कि आप यही करेंगे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, अब नहीं रहेगी कोई मजबूरी, जैविक खेती है ज़रूरी। तो साथियों आपने जाना देखा इस पहले ब्लॉग में अंदिशक न्यूज़ के अंदिशक साथियों के साथ कि जैविक खेती क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए और क्रांतिकारी योगदान दे रहे हैं हमारे अंदिशक कृषि साथी, जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा है। दूसरे ब्लॉग में हम आपको नए टॉपिक पर लेकर हाजिर होंगे, बताएंगे जानकारी आपको सिखाएंगे हमारे अंदिशक साथी जो कि कृषि विषय से पारंगत हैं, और करना सिखाएंगे आपको जैविक खेती और बढ़ाना सिखाएंगे आपके खेतों की पैदावार और सुखी और समृद्ध जीवन कैसे जीना है एक प्रशिक्षित किसान बनकर, वो सिखाएंगे हमारे अंदिशक साथी। साथियों अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शासन प्रशासन सबको बताइए हमारे अंदिशक क्या योगदान दे रहे हैं UP के जूनियर स्कूल में विषय विशेषज्ञ के तौर पर। तो दोस्तों अगले ब्लॉग में यानी कि Part 2 में हम मिलते हैं, एक नई जैविक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अपने अंदिशक साथियों के साथ और सिखाएंगे आपको हम एक नया तरीका जैविक खेती करने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।